थिंक अबाउट इट, वैसे हम तीनों में तीनों लड़कियां हैं. हाँ करेक्ट. आई थिंक हर लड़की में तीनों लड़कियां हैं. लाइक एवरी गर्ल हैज अ जिया, रेवन, ईशा इन हर. तो दैट्स व्हाई इट्स अमेजिंग. स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, गाने जानने के बाद, आपको लगता है कुछ और करेक्टर्स हो सकते थे जो या फिर कुछ ऐड ऑन हो सकता था, या फिर शूट के दौरान कुछ आप इंप्रोवाइज करते थे एक दूसरे के साथ स्क्रिप्ट के अलावा, उससे बाहर निकल के कुछ ऐसे झगड़े, कुछ जो मैं और बरखा ऐसी नॉर्मली ऐसे वीकी बिखरेंग और व्हाटएवर, वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट में भी डाल देते हैं. और हमेशा हम दोनों, हम सब एक दूसरे को प्रॉम्प्ट करते रहते हैं हिंदी हिंदी. मेरा नाम है शांतनु महेश्वरी और मैं शाहिद भसीन का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. इनसे ईशा से बहुत प्यार करता है वो. शांतनु एंड शाहिद में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, सो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दैट, बट होपफुली वो स्ट्रगल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. एंड जैसे जैसे शूट आगे आगे सीन्स करूँगा वो कम दिखने लगेगा. थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, म्यूज़िक से बहुत प्यार करता है एंड बहुत पैशनेट है किसी भी चीज़ जो म्यूज़िक टूवर्ड्स हर एज एन लव को लेके अपने बहुत पैशनेट है एंड शॉर्ट टेम्पर्ड है. सो मज़ा आएगा कैरेक्टर देखने में और ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा. क्योंकि हाँ जी हाँ, था पर अब चेंज हो गया. मैं मुझे काम ही मेरे हेयरस्टाइल की वजह से मिलता है. सो वो कम्प्लीटली क्रिएटिव कॉल है वो, तो आई कांट रियली डू एनीथिंग. मतलब बस पैसे से अपने कटाता हूँ, बट कॉल क्रिएटिव का रहता है. हाँ नहीं, अरे मैं बहुत छोटा दिखता हूँ अगर मैं बाल कटा लूँ. मैं राज बोल दिया आपको मैंने. मैंने हेयर स्टाइल चेंज किया है. थका गया बेटा तू. बाद में बोलेंगे ये थी हेयर स्टाइलिंग क्लास. सो मेरा नाम युवराज ठाकुर है और मैं अजहर खान का रोल प्ले कर रहा हूँ, कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. ये एक सुपरस्टार है, सुपरस्टार बन जाएगा, अभी स्टार है और बहुत ही शांत है और परफेक्ट जेंटलमैन है. तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, काफ़ी क्लासी कूल है. मैं अजहर से दो तीन बातों में बिल्कुल नहीं, मतलब मैं अलग हूँ. पहला ये कि वो शांत है, मैं शांत नहीं, मैं बहुत गुस्सा इंसान, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मुझे. एक और क्वेश्चन अगर आपने हेयर स्टाइल के लिए पूछा. और वो बंदा एक्टर है, मैं मेरी ज़िंदगी एक्टिंग पैशन है मेरा, तो वो उसको रिलेट करने में मतलब वहाँ मुझे आसानी हुई. और दूसरा ये है कि जो बेस्ट बात मुझे कैरेक्टर की लगती, जो लेड बात है, वो ये है कि आमतौर पे हम किसी सेलिब्रिटी या किसी स्टार को देखते हैं, हम सोचते हैं कि वो ज़िंदगी जी रहा है जो काम इंसान का सपना है, सब कुछ मिल रहा है, दुनिया चिल्ला रही है. बट द पॉइंट इज वो लोग ज़्यादा लोनली होते हैं हम लोगों से, वो उनमें एक अलग तरीके का अकेलापन होता है. तो वो दिखाना खुशी के साथ में और वो ले कर चलना, इवन इफ यू वॉकिंग इन अ कॉरिडोर यू हैव टू कीप दैट थिंग इन यू, बिकॉज वो अकेलापन एक सेलिब्रिटी समझ सकता है या फिर जो उस और जो जहाँ पे है. और वो ऐसे रोड पे जनता को बोलेगा भी नहीं कि यार मैं अकेला फील कर रहा हूँ, वो एक इनर फीलिंग है, वो अंदर से आती है. जेन्युइनली ऐसे दो चार लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो काफी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इतना अकेला फील करते हैं सेलिब्रिटीज, तो जितने भी जो भी हमारे यूथ है मतलब इस लाइन में आना चाहता है, उनको बॉलीवुड, यार देखो ना ये यार, लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं, अरे आप पूछ लो, मेरे साथ बाद में पर्सनली बात कर. मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है ना, ये सब्जेक्टिव बात है बहुत ज़्यादा कि, और कोई भी एक्टर वैसे बैठ के बोलेगा नहीं बच्चों मत आओ यहाँ पे, हम सफ़र कर रहे हैं, तुम यहाँ मत आना, ऐसे कोई बोलेगा नहीं. और कोई इंसान क्या चाहता है वो भी मैटर करता है. किसी को ये फैसिनेट करता है कि मुझे ये चाहिए,
किसी को नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ चुपचाप काम करके घर जाना है, किसी को काम कर रहे हैं तो पार्टी करनी है, तो पार्टी में जाकर लड़कियाँ मिलेंगी, तो लड़कियाँ कहाँ से मिल रही हैं, यहाँ से मिल रही हैं, तो उसको खुशी मिल रही है यहाँ से, ठीक है। किसी को मेरे जैसे इंसान को घर जाके सोना है, नहीं मेरे को लड़की, मैंने बोला मेरे जैसे इंसान को घर जाके सोना है, मैंने बोला मुझे शूट करके घर जाके सोना है। ऐसे भी लोग होते हैं जिस गिविंग दिस कैटेगरी होती है, और वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है, भागना दौड़ना है, भागना दौड़ना है, वर्कआउट करना है, वर्कआउट करना है, भागना दौड़ना है, बस हेल्दी खाना है। इनसे भी तो बातें कर लो भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। मैं अर्जुन सिंह हूँ एंड मैं गुरविंदर सिंह खंडूला का किरदार निभा रहा हूँ, और ये कैरेक्टर जिस किरदार को निभाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ी क्योंकि मैं मुंबई का हूँ और ये कैरेक्टर जो है वो लुधियाना का है, तो हमारे एक्सेंट में बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट का फर्क है। तो ये आता है मुंबई एक सपना लेकर, जो है कि इसे यशराज फिल्म में एक दिन तो डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के देखता है कि यहाँ पे इतनी आसानी से चीज़ें नहीं हो सकती, उसके लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है। तो दिल से काफ़ी कैसे कहूँगा उसको, काफ़ी खुश बंदा है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, काफ़ी पॉजिटिव बंदा है, तो कहीं ना कहीं उसको मालूम है शुरू तो करना ही पड़ेगा, तो वो शादी की वीडियोग्राफी से शुरू करता है क्योंकि उसको लगता है एक शादी एक यशराज फिल्म के सेटअप की तरह है, हमेशा नए इमोशंस हैं, नए लोग हैं, नए फीलिंग्स हैं, और इसको कैप्चर करने में उसे बड़ा मजा आता है। इसे कैप्चर करते करते एक शादी के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उसने आज तक नहीं देखी है और उसे बार बार देखने का उसे दिल करता है, वो है रेवती। और कैसे फिर इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है क्योंकि वो डीजे है और ये वीडियोग्राफर है, और बस इन दोनों की केमिस्ट्री कैसे खिलती है और इसकी जिंदगी में कितनी खुशहाली आ जाती है रेवती के आने के बाद, आप देखेंगे। मैंने काफी हद तक होमवर्क किया था, मैंने इनिशियली गॉट अ कॉल फ्रॉम बीबीसी, थैंक बीबीसी फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि मुझे आज तक एक ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर्स मिले, यंग कूल बॉय, यंग कूल बॉय, लेकिन ये कैरेक्टर मिले काफ़ी हटके था। तो जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो उसी दिन से मैंने एक्सेंट पे अपना काम शुरू कर दिया। मेरे जितने भी फेलो एक्टर्स हैं जो दिल्ली से हैं, नॉर्थ से हैं, तो उनके साथ बैठ के मैंने काफ़ी होमवर्क किया कि ये लाइनें अगर हिंदी में हैं तो इन्हें पंजाबी में कैसे बोला जाएगा, फिर इन्हें पंजाबी कम हिंदी में कैसे बोला, सिखा दियो। तो जी सिखा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिखा देंगे रेवती जी को, तो हाँ करियो डरियो मरियो मतलब लड़का मतलब ये सब तो छोटी चीज़ें हैं, बट हाँ मतलब काफ़ी मदद ली दोस्तों से और आप मैं काफ़ी तैयार हूँ उस कैरेक्टर के साथ। आपसे जानना चाहिए कब कब ये रिलीज हो रहा है और कब कैसे आने वाला है चैनल एमटीवी पर देखना ना भूलिए।